मर्डर, किसने दिया ऑर्डर, हर कोई अब यही पूछ रहा है। जयपुर आपको सीधा लिए चलती हूँ, आपको दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ लोगों का हुजूम, आप देख लीजिए अस्पताल ये बही है और दीपक बिष्ट मौजूद है। दीपक क्या कह रहे हैं अभी ये लोग, या संख्या तो बढ़ती जा रही है लोगों की? जी जी देखिए, मैं देखिए इस वक्त हम करणी सेना के लोगों के बीच में है जो यहाँ पर पहुंचे हैं और कई लोग यहाँ पर भीड़ यहाँ पर पहुंची है। लोगों का दावा ये भी है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं, लीडर्स आए हैं, उनका ये दावा है कि यहाँ पर अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो राजभवन का भी घेराव करने से नहीं चूकेंगे। और भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोग घरों के छतों पर और जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उनकी छतों पर चढ़े हुए हैं लोग, और भारी भीड़ यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, करणी सेना से जुड़े हुए लोग इसमें हैं। उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह की हत्या के बाद गुस्सा जो है, लोग गुस्से में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर जायज बनता है ऐसा लोगों का कहना है। और यहाँ पर कई लोग हैं, आप लोग यहाँ पर देर रात से बैठे हुए हैं, अब आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए ऐसा आप लोगों का दावा है, जबकि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि दो आरोपियों की को पकड़ा गया, आइडेंटिफाई हो रहा है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, अभी हम लोगों के पास ऐसा कोई आउटपुट नहीं है, और अगर मांग नहीं मानी जा रही है तो अगला स्टेप हम लोग राजभवन के घेराव करेंगे और मजबूती से करेंगे। पूरे देश के छत्री आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे सरकार सस्पेंड है तो राज्यपाल ही यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जवाबदाही राज्यपाल की है, इसलिए आगे वाला स्टेप हम लोगों को राजभवन घेरने का है। और पूरे देश के छत्रियों से आह्वान हो रहा है कि वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं, एक से दो दिन के अंदर पूरा राजस्थान छत्रियों से भर जाएगा। ये बताइए कि आप लोग देर रात